What's up everyone, welcome back to the channel. हम लोग पढ़ रहे थे Principles of Management और हमने अभी तक तीन parts में Fayol के बारे में सब कुछ देख लिया है, Principles के बारे में सब कुछ देख लिया है. आज हम बात करेंगे the father of scientific management के बारे में. Father of general management तो Fayol है, लेकिन father of scientific management Taylor है. अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल. आज हम टेलर के बारे में पढ़ेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को लेके चलेंगे एंडिंग की तरफ. तो आइए जल्दी से चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और इसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे. चलिए लेट्स बिगिन. अब गौर से देखिए इस चेहरे को, इस शख्स को ध्यान से पहचान लीजिए. इनका नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को कंसीडर करा जाता है एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अभी याद रखना, अगर फादर ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट पूछता है तो वहां पे आप Fayol बोल के आओगे, हेनरी Fayol. बट अगर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछता है एग्जामिनर तो वहां पे आप फ्रेडरिक विंस्लो या FW टेलर का नाम लिख के आओगे. इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं? 1856 बॉर्न इन USA, अपना करियर शुरू करा एज अ ऑपरेटर इन अ स्मॉल मशीन मेकिंग शॉप और उसके बाद चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक गए मिडवेल स्टील वर्क्स में 1884 में. और बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अपने नए नए तरीके, अपने टेक्निक्स, अपने प्रिंसिपल्स की मदद से इन्होंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे पहुंचा दिया और फिर अपना जो भी एक्सपीरियंस थी, लर्निंग्स थी, वो आप सबके सामने प्रेजेंट करी और वो लर्निंग्स काफ़ी सारे बिजनेसेस में हेल्पफुल रही और इनको कंसिडर करा गया एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब इनके क्या क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम देखने पहले हैं. सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि इनका मानना ये था कि मैनेजमेंट कोई ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैनेजमेंट एक साइंटिफिक प्रोसीजर होना चाहिए और उसको साइंटिफिकली करना चाहिए. यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में आप जब काम को मैनेज करते हो तो साइंटिफिकली करो, ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है. यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट. अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट सेलेक्शन ऑफ मेन, सेलेक्शन ऑफ मशीन्स, मटीरियल, ये सब साइंटिफिक अप्रोच से होना चाहिए. हेयर ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय रेशनैलिटी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन. दस साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. अब इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं. कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं? देखो 1, 2, 3 एंड 4, चार प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे पास टेलर ने दिए हैं और फिर आपका ये इनके प्रिंसिपल्स खत्म. हाँ, 14 थे, 14 के आगे से 1 हटा दो तो यहाँ पे टेलर के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं. तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो टेलर ने दिए हैं? सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. कैसे पढ़ना है इसको, ध्यान से समझना मेरी बात. मैंने किस तरीके से पढ़ा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. तो टेलर का मानना यह है कि हर चीज में देयर शुड बी यूज ऑफ साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब क्या होता है सर? रूल ऑफ थंब होता है सुनी सुनाई, वही जो पुराना चलता आ रहा है वही मान के चलना. उसी को आपने रूल ऑफ थंब मान लिया, कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश ही नहीं करी, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करी. मेरे फादर जिस तरीके से बिजनेस चला रहे थे मैं भी उसी तरीके से चला रहा हूं. भाई, दुनिया बदल जाती है, एक जनरेशन चेंज हो जाता है, तो आपको रूल ऑफ थंब नहीं लगाना. इनका मानना था साइंटिफिकली चीज़ें ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, नई नई चीज़ें ट्राई करो और उस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाओ. टेलर हैज एम्फेसाइज दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंट्यूशन. आपको जो इंट्यूशन आ रही है उसके हिसाब से नहीं करना, साइंटिफिक इंक्वायरी से करो. एक्सपीरियंस ध्यान से, एक्सपीरियंस से मतलब नहीं पड़ता, साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए और हिट एंड मिस मेथड नहीं होने चाहिए कि कोशिश करूंगा, सही हो गया तो बढ़िया, गलत हो गया तो कोई बात नहीं. भाई साहब, रिसोर्सेज हैं, ऐसे वेस्ट करते चले जाओगे तो कैसे काम चलेगा? आपको साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है. रूल ऑफ थंब डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग बिफोर डूइंग. ठीक है, थिंकिंग बिफोर डूइंग रूल ऑफ थंब में नहीं होता. रूल ऑफ थंब ये होता है कि बस करते चलो, जो सीखा है कर दो. पिछली बार कोई चीज़ काम कर गई थी तो इस बार भी करेगी. टेलर का मानना है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप पहले सोचो, साइंटिफिकली चीज़ें ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर जाके ट्राई करो. साइंटिफिक मेथड रिक्वायर्स कॉज एंड इफेक्ट एज वेल एज एग्जैक्ट मेजर्स ऑफ एफर्ट्स.
यानी कि आपको कॉज भी पता होना चाहिए, उसका इफेक्ट भी पता होना चाहिए कि क्या करूंगा तो क्या होगा, एफर्ट कितने लगने हैं, आउटपुट कितने लगने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। डिसीजंस अबाउट फेयर डे वर्क, कितना काम होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट क्या होने चाहिए, वो फैक्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए और थोरो स्टडी पे बेस्ड होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लिया। दिस मेथड सो डेवलप्ड विल सब्स्टिट्यूट द रूल ऑफ थंब। टेलर का मानना था देयर इज ओनली वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वर्क, हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, इसी प्रिंसिपल में कहा है उन्होंने, और वो बेस्ट तरीका आप ढूंढ सकते हो अच्छे से फैक्ट्स को एनालाइज करके, थोरो वर्क स्टडी करके, डिटेल्ड रिसर्च करके, ये सब करके तब आप कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, समझे। दूसरा क्या होता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी फॉलो करना है, डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं करना। हार्मनी का मतलब होता है एक पॉजिटिविटी रखना और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है नेगेटिविटी रखना। तो टेलर का मानना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको हार्मनी मेंटेन करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों को साथ में लेके चलना है, ना कि अकेले अकेले चलना है। तो टेलर, इन ग्रुप एक्शन दोज हु वर्क टुगेदर शुड कैरी आउट देयर टास्क इन हार्मनी, दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक, एक साथ लेन देन करके चलो एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ओनली देन इट इज पॉसिबल फॉर द ग्रुप टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द गोल ऑफ द एंटरप्राइज। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यूजुअली दो ग्रुप्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजर्स होते हैं, एक वर्कर्स होते हैं, इनके बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो टेलर ने बोला, भाई साहब अपने माइंड में ना रेवोल्यूशन लेके आओ, मेंटल रेवोल्यूशन लेके आओ, अपने माइंड को ठीक करो, दोनों के बीच में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। टेलर एडवोकेटेड अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजर्स एज वेल एज वर्कर्स। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजर शुड अडॉप्ट एन एनलाइटन एटीट्यूड एंड शेयर द गेन्स, गेन्स को शेयर करो, आप जो प्रॉफिट्स कमा रहे हो उसमें वर्कर्स को भी हिस्सा दो यार। ऑन द पार्ट शुड वर्क विद डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरे वाले की, जो कि है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या फॉलो करना है, कॉपरेशन, क्या फॉलो नहीं करना, इंडिविजुअलिज्म। सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में भी तो यही था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हम अपने माइंड में चेंज लेके आ रहे थे, दिमाग से पॉजिटिविटी लेके आ रहे थे, ये एक स्टेप आगे है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे ये है कि सिर्फ दिमाग से सोचने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ, कॉपरेशन करो। जब आप एक वर्क स्पेस पे बैठ के काम कर रहे हो तो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करो, करके दिखाओ, यानी सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट वर्क शुड बी कैरिड आउट बाय द इंडिविजुअल्स इन कॉपरेशन व्हाइल ईच अदर based on mutual confidence and sense of goodwill. Managers and workers can develop understanding and thus secure mutual cooperation. Taylor has suggested that while setting standards, जब आप standards set कर रहे हो, यानी आप target set कर रहे हो, employees who are supposed to perform should be involved in the process. जिन employees से आपने काम करवाना है, उनको involve कर लो यार इस process में, उनसे पूछ के करो decision making. And द सजेशन शुड बी वेलकम, सजेशन भी मांगो उनसे, अच्छे सजेशन अगर मिलते हैं तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी करो। दिस विल एनहेंस देयर इन्वॉल्वमेंट, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट एंड स्टैंडर्ड्स, सब बेटर होता चला जाएगा और आप अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अच्छे से अचीव कर पाओगे। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में मेंटली हम लोग चीज़ें कर रहे थे और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में करके दिखाएंगे। चौथा आता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ, नाम में लिखा है डेवलपमेंट होना चाहिए ईच एंड एवरी पर्सन, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में है, मैनेजमेंट से लेके वर्कर्स तक, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए उनके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी तक। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर, हर इंसान की एफिशिएंसी का ध्यान रखो, राइट फ्रॉम हिज और हर सेलेक्शन, उसके सेलेक्शन से। अब देखो सेलेक्शन ऐसे ही नहीं कर देना है या आपने किसी को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्शन का एक प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए, इंटरव्यू साइकिल होनी चाहिए, तब काम होना चाहिए। अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेनिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ, और वन सेलेक्टेड, एक बार सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर कराई जाए सो दैट उसका डेवलपमेंट हो, पर्सनल भी और उसकी ग्रोथ हो करियर में भी।
Taylor insisted that each and every employee should be given work according to his or her physical, mental and intellectual capabilities. This will enhance greatest efficiency and prosperity for both employer and the employee. तो इस तरीके से टेलर का मानना है कि ये चार चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं ग्रोथ में. सबसे पहले साइंस नॉट रूल ऑफ थम. हर जगह साइंस लगाओ, रूल ऑफ थम मत लगाओ. सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो, अपने आप दिमाग लगाओ. दिमाग दिया है ना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. मेंटल रेवोल्यूशन लेके आओ. मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, वर्कर्स मैनेजमेंट के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें. उसके बाद कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. यू शुड वर्क इन कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म. अकेले अकेले लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कॉपरेट करके काम करो. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और आवर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी. हर वर्कर का एफिशिएंसी प्रोस्पैरिटी का ध्यान रखना है. ऐसे नहीं चलेगा कि आप अकेले अकेले अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, वर्कर्स के बारे में सोच ही नहीं रहे हो. तो ये हमारे चार प्रिंसिपल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसने दिए हैं? टेलर ने दिए हैं. एग्जाम में केस स्टडी आएगा, आसानी से आपको पहचान लेना है. तो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट 75% खत्म हो चुका है. अब हमारे पास बचेंगे टेक्निक्स. एक क्लास और लगाएंगे पूरी टेक्निक्स पे और फिर आपका चैप्टर खत्म. मीनिंग, वी आर डन विद मीनिंग. फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया. उसके बाद प्रिंसिपल्स, फेयॉल के प्रिंसिपल्स हमने सारे देख लिए, टेलर के प्रिंसिपल्स हमने सारे देख लिए. अब हमें टेक्निक्स देखना है और चैप्टर हमारा खत्म. इस पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, सो दैट आपको रिविजन में मदद मिले. अब अगली क्लास में मैं आपको टेक्निक्स कराऊंगा और ये चैप्टर भी हो जाएगा हमारा समाप्त. विल मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 3. आई होप आप बिजनेस स्टडीज अच्छे से पढ़ रहे होगे और सब तैयारी करते चल रहे होगे. ऑल द बेस्ट एवरीवन. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग. बाय बाय.